हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। फ्रेंड, जैसा कि आने वाला एग्ज़ाम आपको मालूम होगा, एसएससी के आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और रेलवे हैं, रेलवे का वैकेंसी आउट होने वाला है फ्रेंड 2018 में। निश्चित है कि फ्रेंड रेलवे वैकेंसी आएगा और बिहार SI, यूपी कॉन्स्टेबल और केंद्रीय विद्यालय और यूपी PCS RO और ARO, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है फ्रेंड, जिसमें कि अब देखा जा रहा है कि GK GS इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाना बेहद ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैं आज से आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ फ्रेंड GK GS का एक सीरीज, जिसमें आपको 4 डे फ्रेंड ऑप्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाता रहूँगा फ्रेंड, ऐसा वीडियो मैं लगातार डालते रहूँगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, मेरा एक नम निवेदन है कि फ्रेंड, मेरे मेहनत का फल आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन है फ्रेंड, तो एक बार जरूर दबा दें। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है फ्रेंड सिंकोनोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसका तरंग दर सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड, लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। और फिर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लैक पेगोंडा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पेगोंडा मंदिर उड़ीसा में है फ्रेंड, सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो सिख धर्म की स्थापना 16वीं सदी में की गई थी, सिख धर्म की स्थापना। नेक्स्ट है फ्रेंड, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश के संसद को फ्रेंड जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ्रेंड 15 न्यायाधीश होते हैं। लाल रंग को हरे शीशे से देखने पर किस रंग का दिखाई देता है फ्रेंड? तो लाल रंग काला दिखाई देता है। और शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग जो होते हैं वो कुल फ्रेंड 64 होते हैं, 64 वर्ग शतरंज में होते हैं। आप लोग खेलते होंगे तो आपको मालूम ही होगा फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड मुंबई में हुई थी। किनौन शब्द किस खेल से संबंधित है? किनौन शब्द किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? तो ये है स्कूनर से संबंधित है, किनौन स्कूनर से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्रग्रहण घटित होता है फ्रेंड पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है फ्रेंड, बेगम अख्तर का संबंध किस खेल से है? तो बेगम अख्तर का संबंध फ्रेंड गायन से है, बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। निकोटिन का प्रमुख स्रोत क्या है? निकोटिन का प्रमुख स्रोत फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार घट जाता है और वहाँ से यहाँ लाने पर उसका भार बढ़ जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ हुम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में फ्रेंड लोहे का चून का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बनता है? तो वो बनता है फ्रेंड सिलिकॉन से आईसी चिप बनता है। मालूम होगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? कराची, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। तो आप भी आंसर मार सकते हैं फ्रेंड, लाहौर अधिवेशन। ये फ्रेंड मैं आपको इसमें डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये स्पीड टेस्ट है फ्रेंड, इसमें आप एक बार देख सकते हैं, बस ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और 50 क्वेश्चन आप पर डे देख पाइएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ और कम टाइम में ले रहा हूँ कि फ्रेंड आप ज़्यादा टाइम भी आपका स्पेंड ना हो, आप एक नज़र में पूरा क्वेश्चन भी देख लें।
नेक्स्ट है फ्रेंड, आर्य लोग भारत में पहली बार कब आए थे? तो आर्य लोग भारत में 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रयोग किया गया था फ्रेंड 1916 में, माफ कीजिएगा फ्रेंड 1906 में किया गया था स्वराज शब्द का 1916 नहीं होगा फ्रेंड 1906 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस भारतीय ने पहली बार भौतिक विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? किस भारतीय ने पहली बार भौतिक विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो डॉक्टर सीवी रमन थे जिन्होंने पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था फ्रेंड मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो मसाई फ्रेंड है जनजाति है तंजानिया की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी फ्रेंड श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? मायोपिया का अर्थ होता है फ्रेंड निकट दृष्टि दोष। जैनों के अनुसार महावीर तीर्थक थे, तो महावीर कैवे तीर्थक थे जैनों के अनुसार? तो जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था फ्रेंड लॉर्ड एलिन बरो के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का अभिलेखों द्वारा प्राप्त किया गया वस्तु है, जिससे हम अभिलेख जो लिखा गया उससे हम लोग को प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वनस्पति तेल के उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल के उत्प्रेरक के रूप में निकिल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो वर्तमान में फ्रेंड 31 न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड आपको अगर कोई इसमें अगर मुझे डाउट थोड़ा लगता है 31 है, लेकिन आपको कुछ मालूम हो फ्रेंड तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कितने अभी वर्तमान में न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है फ्रेंड आंवला गाजर पपीता सोयाबीन में किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन। किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे अबुल कलाम आज़ाद थे, जो उन्होंने सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, सिखवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सिखवाद के प्रवर्तक किस सदी में हुआ था सिखवाद का प्रवर्तक? तो वो हुआ था 15वीं सदी में। तो ये थे फ्रेंड ऑप्शन वाइज जीके जीएस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और जैसे कि पीटी में बिहार एसआई में पीटी में भी सिर्फ जीके जीएस है, एसएससी में भी जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड। और मेन है फ्रेंड मैं इस व्यू से डाल रहा हूँ कि रेलवे की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली, तो इसमें आपको बहुत
बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड। लगातार मैं आपको देता रहूँगा ऐसा वीडियो, और आपको आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड, और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड मैं इसलिए इसमें स्पीड टेस्ट इसका नाम ही रखा हूँ, जबकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस पर देख के क्वेश्चन। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड। ओके फ्रेंड, जय हिंद।